आओ जा बेटा क्या है बोलो जल्दी बेटा हाथी लगती है नहीं खा जय जोहार संगवारी हो स्वागत है आप सबके आपके अपन YouTube चैनल सी जी ब्लॉगर ममता में जैसे कि आप मन दे मोर एक छोटे से प्रयास रही है वे मोर लयिका मन के द्वारा आप मन ला जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध एक खेल है रे जिला दिखा दो तो जैसे भी इसमें नाना ना लैंगा मन आपमन के सामने शेयर करी से जैसे भी प्रेजेंट करी से आप मन ला अगर अच्छा लगी सो ही तो लाइक जरूर कर दो मोर ये प्रयास रही से कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के खेल है धीरे धीरे करके आप मन कर मैं हलाूँ ये सब चीज़ ला बस धीरे धीरे होते हर चीज़ है एक तो नहीं हुए तो आज एक छोटे से प्रयास रही है तो संगवारी हो जैसे कि पहली हम यहाँ जो भी सिचुएशन रहे मतलब बेहद नवासी वाले तब वो हिसाब से हम बहुत अच्छा ज़िंदगी जिए हैं मतलब वो समय उतना ज़्यादा मोबाइल फोन वगैरह नहीं रही से जब हम बचपन रही था। जब मैं यहाँ बारहवीं में, में गए हूँ तब जाके मोर घर एक ठन मोबाइल फोन ऐसे और पूरा बचपन में बहुत अच्छा जिए हूँ मतलब पूरा खेल के इन्जॉय करे हों बहुत अच्छा जो हमारे छत्तीसगढ़िया खेल है वो सब खेल मतलब मैं खेले हों और आज के लैका में जैसे कि मोर लैक अपन देख सकता हो जब से पैदा हो तब से मोबाइल और मोरि लैक नहीं सबके लैका आजकल जो है मोबाइल में बिजी रहती मोबाइल में गेम में बिजी रही और हमार जो पारंपरिक खेल रहे और भुला गए एक एक रूम तक कमरा तक सीमित हो गए और हम हो गए हैं मतलब जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ दिन भर मोबाइल में लगे रहता रहते यही कि मम्मी जब मोबाइल में लगे था, हम खबर पीछे रह बात ये हो जाती अगर हम लैक टोकन तक कैसे टोकन ये भी बात हो जाती हैं संगवारी हो तब बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करके लेका मोबाइल का जो है लतला छोड़वा सकता हर लिए हम जो है ध्यान दे लगी जैसे कि हमारे पारंपरिक खेल है फैमिली मिलकर बैठ के खेल सकता है जैसे द्वारा जो है बच्चे के दिमाग जो है डाइवर्ट और मन मोबाइल ला छोड़े कोशिश करी तो अभी जिससे लेकर मन घर में तो आप ला या फिर बहुत सारा वो खेल है धीरे धीरे करके अपन बनला हूँ तो वो सब चीज ला हाँ इन्जॉय करा सकते हो अपन बच्चा ला और खुद भी कर सकता तो कैसे लगे इस ये मूल्य जरूर बताओ आगे है आप मन पर बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी मैं क्योंकि चलो जैसे कि दिवाली नजदीक आते तो आप मतलब जो है रेसिपी घर लोग दे देते दे हूँ ब्लॉग के साथ साथ ही तो आज मैं आप मन पर लेके आऊँ छत्तीसगढ़ी रेसिपी चाँवर आटा की जी सोहारी या पूड़ी जो भी अपन कहतौर चावल के आटा की पूड़ी के रेसिपी में अपन बनल चलो शुरू करथन हो चावल आटा की पूड़ी बनाए या सोहारी जो भी आप खाऊ हमारे छत्तीसगढ़ी पूड़ी ले सोहारी कहते हैं तो कैसे बनाना है बहुत ही आसान तरीक़ा से और कॉव्यल देख सकते हो कपड़ा लहरे नहीं है जे जैसे हम मोर ब्लाउज हरे तेरा वाला पहना दे रहे हो तो लाख देख के सुबह ते चलो संगवारी हो शुरू करथन बनाए के छत्तीसगढ़ी पूरी छत्तीसगढ़ी सोहारी पसंद आई तो लाइक करु शेयर करु सब्सक्राइब करु और बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि छत्तीसगढ़ के आगे बढ़े के मौका मिले तो चलो जलतन रसोई घर में चलो संगवारी हो चावर पिसान के सोहारी बनाए पर शुरू करतन और मिलो चावर के पिसान नमक और अजवाइन पानी ल रख दे रू गर्म होए पर पानी ला गर्म करना है हमला काबर केला हमला गर्म पानी में सानना है नमक डाल देना है स्वाद के हिसाब से और डाल देना है आजवाइन अगर आप मतलब आजम पसंद नहीं हो तो जगह सफ़ेद तिल काला तिल भी आप मन डाल सकता हो अभी हमला करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है अवेला जो है चम्मच के सहायता से मिला जाना है हाथ में बिल्कुल भी नहीं छूना है अगर हाथ में छू तो बहुत ज़्यादा पानी गरम ही जल सकते है कर सतीजे है चम्मच की सहायता से ही ये मिक्स करना है मिलाना है ता दिरे दिरे चेला। तो धीरे धीरे आप देखा तो देखते मैं कैसे कर तो ऐसा करना है और बहुत ज़्यादा पानी एक बार मैंने डालना है अगर बहुत ज़्यादा अपन डाल दूँ तो गीला भी हो सकते ते कर सकते तो मैं ले रहा हूँ दो से ढाई कप जे है चावल के पिसान और में है एक कप लगे आप मान ला एक से डेढ़ कप लग जाह पानी तेल ठंडा होने देन जब तक कि हम दूसरा काम कर और लेन आकर हमारा सानबो तो चलो संगवारी हो मैं आगे ला धरा देता हूँ तक बार जो सानबो हम अहाँ ये देखो आगे पहले में धरा देता हूँ और आज देखो मन के नाटक ला जैसे कहा अपमान ला बहुत पसंद है वो हंसी हाँ भी है सो ही त बताओ कमेंट बॉक्स हम लिख के आगे तगे धरल से चढ़ा दूँ कढ़ाई ला जब तक के तेल सनतला तेलो गरम हो जाए एक कढ़ाई में मैं डाल दूँ तेल और वह ला जैसे गरम हो दूँ तो चलो संगवारी हो किसान ला मन हसान और जैसे कि मोर आगे धरातला ए हो गए हैं एकदम जुड़ा गए है बढ़िया से तेला सानी में जाए जो दिक्कत नहीं या वो एला बढ़िया से इसने हमला सानना एकदम ज़्यादा जो है ढीला ढाला नहीं सानना है थोड़ा कड़क रहना चाहिए कड़क रही तो हमार जो सोहारी है बहुत अच्छा से बन ही ते कर सकती तेन देखा हो तो ऐसने चापल लसानना है अगर आप माला गीला लगी तो अपन हल्का से चावल के पिसान ला और मिला सकता सकताओ तो यह अपन तो बिल्कुल इसने चापन ला सानना है आटा लापन देख सकता हो कत कापन सना है ता इसने सानना है अब जे मेले हाँ थोड़ा से सूखा के सूखा ले चाउर के पिसान और एक सहायता से हम यहाँ बहुत जल्ला दिक्कत होते कि चाउर के जे है, सुहारी है, नहीं बेलाए पर आटा अगर आप मन के बढ़िया से सनाए हो पिसान बढ़िया सनाए हो त बेलायम कोई दिक्कत नहीं हुए ता ये देखो थोड़ा सा यहाँ सुखा वाले, जे आटा डाले हाँ और ऊपर में थोड़ा से आ, छिड़क छिड़क के जी है आटा ला बेल दूँगा और पलट पलट के बेलना है अगर आप माला ज़्यादा दिक्कत हुई तो आप मना झिल्ली लेके भी बेल सकता हो एक बार में ही वाले बताऊँ तो आप मन वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करूँ देखो ताकि आप मतलब वो भी समझ आ, समझ में आ जाए और थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि इमें आकार जो है नहीं आ पाएगा बगीचा और आटक के पिसान में आ, सुहारी बेलेवर थोड़ा से आकार नहीं आ पाए सही आकार जैसे कि गेहूं के गे गे माथे वैसे आप माने एक तरीका आजमा सकता हूँ गिलास या कटोरी से बराबर पे काट भी सकता हूँ ओकर से भी बन जाए तो मैं बस इसने बेलता हूँ मैं काटो वाटों नहीं संगवारी हूँ इसने भी बहुत अच्छा लगते है ये देखा बस इसने हम ना बेल लेना है अब आपने देखा था गेहूँ आटा की जो है सुहारी बनती है देखकर जो भी पतला पतला में है इला बनाता हूँ और एकदम बढ़िया बना था वे और कहीं भी तीर तारा कटत फटत नहीं है बहुत जल्दा दिक्कत आती कि किनारे किनारे फट जाते पर अगर आप गर्म पानी में सानू और बहुत अच्छा सनाए रहे आपका आटा तो कभी भी ये परेशानी नहीं आए तय आपने देखा था इसने चाप चापमला बेलना है और ये ज़्यादा पतला हो गया रिश्ते कर सकती बीच है हज है चिपक गए तो चलो इसने भी यहाँ बेल लेता हूँ और ये देखो अगर आप मला बेलना चौंकी में बेले बन नहीं आते हो इसने आप माना आटा के झिल्ली या कोई भी झिल्ली ला ले लो पर जी है। पानी लगा के चपक भी सकता हो या बेल भी सकता हो बिल्कुल भी नहीं छिपक ते देखो सुनवारी एकदम बढ़िया पतला पतला हमारे ला बेल लेना है ये देखो कतिक बढ़िया बना बनाते एकदम आसान तरीके से यह बन जाते ज्यादा कोई भी मुश्किल नहीं है बनाना तो चलो इसने जो है सबो सोहारे लाइन बेल के कर लेते तैयार तक बार हमला तेल में तलबो ते देखा दो कतिक पतला बने तेला ते रे सफो सुहारी हमारे बिला के हो गए तैयार अब इतने देख लो संगवारी हो हमारे तेल गलत हो गई है गर्म अब गरम गरम तेल में हमला डालना है हमारे सुहारी ला और इला बढ़िया से तल तल के निकालना है आओ मैं बहुत ज़्यादा जो पतला कर दे रो ते कर सती और अजवाइन भी भीच -भीच रही इस बीच बीच में फट जात रही सभी और अच्छा से जो फूल नीप सब दो तीन ठन पूड़ी है तेन देख सकते हो अब एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखते नवा चावल के जो बनाऊ तो एकदम बढ़िया सुंदर दिखते सफ़ेद सफ़ेद दिखते तो बहुत अच्छा लगते खाए में अब ये नवा चावल कर सकती जी है सफ़ेद सफ़ेद बने आप मन देख सकता बस हो बस ये इसने सेकना है और निकाला जाना है और एकर जी जै गेहूँ आटा के सोहारे से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगते बहुत बढ़िया लगते तो जरूर से आप मन बना के देखो और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हवे और बहुत ज़्यादा जे खास त्यौहार में सब चीज़ें बनते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करे जाते हैं जैसे कि आप मन ला पता है हमारे छत्तीसगढ़ लगे थे धान के कटोरा जहाँ धान के पैदावार ज़्यादा होते अधिकतर जो है पकवान है व्यंजन है जो चावर पिसान के बनते तेरह सती चौ जैसे कि गेहूँ बिसान के सुहारी बनते तो हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर चावर विसान की सुहारी ला बनाते जैसे कि चौसेला भी होते तो चौसेला एकर से थोड़ा सा मोटा होते है चौसेला और वो सुहारी में अंतर है संगवारी हो चाऊर आटा के चौसेरा थोड़ा मोटा होते और वो चाऊर आटा की सुहारी है ये देखाओ य बना था हरे पतला पतला बनते सोहारि जी से त ये देखाओ कतिक बढ़िया फूला थे और एकदम बढ़िया लगा थे खाए में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहे थे त चलो इसलिए मैं सब लोग लेता हूँ ये देखो संगवारी हो हमार चाओर आटा के जो सोहारी बन के हो गए तो यार बहुत बढ़िया बनी है जैसे कि आप मन देख सकते हो ये देखो पास से और एकदम नरम बने ही। मैं आप मत तोड़ के तक दिखा देता हूँ काबर की ये देखो आप मन है ताकि आप आपन अभी पता चले कितना बढ़िया हाँ बनते हैं और ये सुहारी है ना जे जहाँ गेहूं के बनाते हैं ओर से भी ज्यादा पतला बने एकदम नरम नरम बने है और खाए में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं कबर कि मैं ए में डाले हम आजमा आप माला दिक्कत भी हो ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने सही में और जरूर ट्राई करूँ काबर की हम तो खाते रहते हैं आप घलो के ट्राई करूँ और बताऊ मोला कैसे लगे साफमन ला त चलो संगवारी हो अभी बजे से शाम घन के साढ़े चार पौने पाँच के आसपास होते हैं मतलब आज हरे हमारे बाजार त सब कोई बाजार आज जाते तेकर हिसाब से मैं अपना टाइम बताता इसे देखे देती नहीं मोबाइल में भी नहीं और घड़ी में भी नहीं ता चलो संगवारी हो मिलते जल्दी एक नया वीडियो के साथ तब तक ले जय जोहार जय छत्तीसगढ़ और ये जरूर ट्राई करूँ